हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। तो बेसिकली मोशन इन अ प्लेन में आपको कुछ बिल्कुल बेसिक चीज़ें पहले बताऊंगा कि मतलब कुछ भी बताने से पहले, जैसे हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन बात की, एक एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा था या फिर एक लाइन के अलोंग मोशन हो रहा था। यहाँ प्लेन मीन्स 2D, प्लेन इज अ 2D थिंग, तो हमें दो एक्सिस यूज लगेंगी। ठीक है, इसके बाद आपको एक रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई वेलोसिटी है, हमें अगर उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना है तो हमें उसको रिजॉल्व करना आना चाहिए। जैसे अगर हम थीटा एंगल, अगर वो उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो फॉर्म कर रहा है एक्स के साथ, तो उसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं जनरल केस में, तो दैट इज नोन एज वी कॉस थीटा एंड वाई एक्सिस वी साइन थीटा। सो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वी इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सो द मैग्नीट्यूड इज वी। ओके, तो पहली तो ये बात हुई। देन आफ्टर, जो मोशन इन अ प्लेन की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए हमें हमें जो आना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अ प्रोजेक्टिंग पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट इज अ लैंडिंग पॉइंट। तो हम कोई भी चीज़ जब प्रोजेक्ट करते हैं, उसे क्यों बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल? बिकॉज वी आर प्रोजेक्टिंग समथिंग, उसमें एक जी का इफेक्ट लगता है, विच इज लाइक कॉन्स्टेंटली जो एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट पे, जो भी ऑब्जेक्ट जो जो फ्लाइट फ्लाई कर रहा है या फिर जो भी है। तो इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होता है? हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करनी होती है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी होती है, काफ़ी नई नई चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती है टू गेट द न्यूमेरिकल राइट। जेई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जेई में कई कई चैप्टर्स के साथ ये क्लब करके आता है। जैसे आप SHM में ले सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ले सकते हैं, इवन ऑप्टिक्स तक में क्वेश्चन आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। अच्छा, दो तरीके के प्रोजेक्टाइल होते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एंड देर इज ऑल्सो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जिसका जिसका जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें वो हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल है, या फिर ऑब्लिक क्या है, ऑब्वियसली कोई एंगल फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, नॉट जीरो, अपार्ट फ्रॉम जीरो इट इज फॉर्मिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, सो दैट वी आर हैविंग, उसमें होता कुछ नहीं है, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जैसे मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर मैक्सिमम रेंज के। मैक्सिमम रेंज हमें कब मिलती है? 45 डिग्री। अगर आप साइन टू थीटा का क्योंकि फैक्टर आता है, और साइन टू थीटा हमें 1 चाहिए, तो टू थीटा हमें 90 चाहिए, तो थीटा हमें 45 चाहिए। तो थीटा इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि 45 डिग्री होता है। अच्छा, इसके अलावा मोशन इन अ प्लेन में हम ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ वगैरह बनाने प्लॉट करने आने चाहिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आने चाहिए, एक्सेलरेशन वेलोसिटी आनी चाहिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस आने चाहिए, इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगा कि आप एक बार डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन अपना इंप्रूव करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो आता हो, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी आपको वेरिएबल क्वेश्चन करने, वेरिएबल पैरामीटर्स को, वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और वो जेई में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। थैंक यू।